हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस फोटोग्राफ का एक पेंसिल स्केच बनाएंगे। ये एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफ है जिसको अफगान गर्ल के नाम से कॉमनली जाना जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये आइकॉनिक फोटोग्राफ लिया था 1984 में एक बहुत ही जाने माने फोटो जर्नलिस्ट स्टीव मैकरी ने, एक अफगान रेफ्यूजी बच्ची का जिसका एज तकरीबन 12 साल का था तभी। जून 1985 का नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का कवर फोटो था ये। तब से ये फोटोग्राफ बहुत फेमस हुआ है अफगान गर्ल के नाम से। उस समय इस लड़की का नाम भी पता नहीं था, बट एक बार जब ये पब्लिश हुआ उसके बाद इतना फेमस हो गया कि 17 साल बाद जाके 2002 में फाइनली इनको फिर से ढूंढा गया। इनका नाम है शरबत गुला। इस फोटोग्राफ में सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है इनकी आंखों पे। एक 12 साल की रेफ्यूजी बच्ची की आंखों में जो डर और जो इनोसेंस है, ये हमें कैप्चर करना है हमारे स्केच में। इस फोटोग्राफ में आईज जो है वो कम्प्लीटली ओपन है, ऑलमोस्ट पूरा आईबॉल दिख रहा है दोनों आईज में, और लाइट कलर के आईबॉल्स हैं। तो इसमें आई का जो सेंटर का आयरिस है जो आईबॉल का, वो मैंने एकदम डार्क रखा है, और उसका जो बॉर्डर है प्यूपिल का बॉर्डर वो भी मैंने डार्क रखा है। ये दोनों मैंने 8B पेंसिल से किया है, और बीच में हल्के लाइट स्ट्राइशंस आपको देने हैं, एक लाइट वेवी लाइंस देने हैं एकदम हल्के, जो मैंने मैकेनिकल पेंसिल से किया है। फिर हल्का सा स्मच किया है मैंने ताकि थोड़ा होमोजीनियस लगे, और फिर रिफ्लेक्शन जो है वो मैंने वाइट जेल पेन से दिया है। वो वाइट जेल पेन का रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा मॉइस्ट लगता है, थोड़ा वाटरी लगता है आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कभी भी आई ड्रॉ करते समय, जो ऊपर का जो अपर आउटलाइन है वो डार्क और डिस्टिंक्ट होता है, बट जो लोअर आउटलाइन है आपका आई का वो बहुत लाइट होता है एज कम्पेयर टू अपर आउटलाइन। इस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट का आईज़ का मैंने एक अलग ट्यूटोरियल बनाया है, एक अपकमिंग वीडियो में मैं वो अपलोड कर दूंगा। अब जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये पर्टिकुलर पोर्ट्रेट में मुझे दिखाई देता है, वो इनका स्किन टेक्सचर है। एक थोड़ा एक रफ टेक्सचर है स्किन पे जो हमको देना बहुत ज़रूरी है, तो यही मैंने यहाँ पे डिपिक्ट करने को ट्राई किया है। हम स्किन टेक्सचर करते समय बेसिकली मैकेनिकल पेंसिल या 2B या 4B पेंसिल से थोड़ा लाइट डॉट्स देते हैं। वो डॉट्स के अराउंड हल्का सा हम रब करके एक एरिया थोड़ा सा उधर लाइट रखते, तो इसके कारण एक ऐसा एक पोर के जैसा एक फील आता है। तो ऐसे हम हमारे स्किन का जो पोर्स है उसको हम दिखा सकते हैं। अभी हेयर बनाते समय ये ध्यान रखना है कि थोड़ा ब्राउनिश हेयर है उनका। जो कर्ल्स है वो फॉलो करना है, पेंसिल स्ट्रोक्स अपने को कर्ल के हिसाब से ही देना है, स्पेशली जो फोरहेड पे जो कर्ल्स है, और हाइलाइटिंग जो है वो भी अच्छे से कर्ल्स के वहाँ पे देना है। मैंने इस केस में 6B पेंसिल यूज़ किया है हेयर बनाने के लिए। अब इस पोर्ट्रेट का जो लेफ्ट साइड है वो शैडो में है, थोड़ा डार्क है एज कम्पेयर टू द राइट साइड, तो वो हमको ठीक से बताना है जिसके कारण फिर 3D इफेक्ट आएगा। तो इसमें डार्क एरियाज को मैंने 6B और 8B पेंसिल यूज किया है, और जो बाकी का जो स्किन एरिया है वहां पे मैंने 4B पेंसिल यूज किया है। पहले वाले स्केचेस से कंपेयर करें तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट होपफुली हमने जस्टिस किया है ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ को। देखते हैं फाइनल स्केच कैसे बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपके सुझाव रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Thanks a lot, friends, for watching this video. Catch you in the next one. Thank you. Bye-bye.